दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। ये एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर जो मैं सीरीज निकाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो है। ओके, अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा है चैनल पे प्रीवियस ईयर का, वो देख लीजिएगा ज़रूर से। ओके, ये पार्ट फाइव है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, द गोवा एंड नवामंडी माइंस आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा झारखंड। गोवा एंड नवामंडी कहाँ है, माइंस कहाँ है, झारखंड में। झारखंड, अब इसको याद कैसे रखिएगा ना, झारखंड, झार दिया ना, मुंडी क्या करते हैं हम लोग, झाड़ते हैं, बाल झाड़ते हैं ना मुंडी पे, मुंडी मतलब सर, ऐसे याद रखिए तो याद हो जाएगा। झारखंड याद करना है ना आपको, मुंडी क्या करते हैं हम लोग, झाड़ते हैं मुंडी को, ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक आप याद रखिए, जो खेत्री माइंस है, खेत्री माइंस है ना, ये कॉपर के लिए फेमस है ना, ये राजस्थान में है, राजस्थान में खेत्री माइंस। ओके, और एक और है ये बैला, ये भी याद रखिए, ये पूछ सकते हैं, बैला दिला माइंस, ये कहाँ है आपका, छत्तीसगढ़ में है ना, बैला, बैल छत्तीसगढ़ बैल है इसके पास, छत्तीसगढ़। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आपको तो पता होगा केजीएफ है ना, कहाँ है भाई, कर्नाटका में, कर्नाटका है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फिस्कल ईयर क्या होता है, व्हाट इज फिस्कल ईयर, द ईयर दैट रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड ऑफ द फॉर द गवर्नमेंट है ना, फाइनेंशियल निकलता है ये रिपोर्ट। ओके ना, एक साल का। आप इसमें ये याद रखिएगा, जो मॉनेटरी पॉलिसी पूछ सकता है इस बार एसएससी एमटीएस में है ना, क्वेश्चन अभी नहीं बना है, आगे बन सकता है मुझे लग रहा है। मॉनेटरी एग्रीगेट्स जो है ना, M1 और M2, इसको क्या बोलते हैं, नैरो मनी है ना, पूछेगा नैरो मनी कौन कौन है, ये नैरो मनी M1 और M2 है। नैरो कैसे, नैरो मतलब क्या होता है, पास होता है, तो नैरो पास कौन है, 1-2 है ना स्टार्टिंग होता है, और M3 और M4 ये इसको क्या बोलते हैं, ब्रॉड मनी है ना, ये पूछ सकता है, जिसका भी एसएससी एमटीएस का बचा हुआ एग्ज़ाम है वो आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एससीएसटी ऑर्डर सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2022 वाज पास्ड इन दिसंबर 2022 एंड इज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो ये यूपी का, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द कुचिपुड़ी डांसर फ्रॉम द फ्लोइंग हु हैज अवॉर्डेड विद पद्मश्री इन द ईयर 2022। तो पद्मश्री किनको मिला था, पद्मजा रेड्डी, ये कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। कुचिपुड़ी जब भी आपको लास्ट में रेड्डी मिलेगा ना, तो ये कुचिपुड़ी का ही होगा। तो मैंने आपको याद दिलाया था ना, याद करवाया था आपको कुचिपुड़ी। जैसे कि ये राजा रेड्डी, सॉरी
ये राजा रेड्डी है ना, राजा रेड्डी हो गया, राधा रेड्डी हो गया है ना, भावना रेड्डी हो गया, यामिनी रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति है ना, ये भी यहीं से बिलोंग करते, कुचिपुड़ी से। चिन्ना सत्यम, इस बार हमको लग रहा है पूछने का चांस है ये, जो वेम पत्ता चिन्ना सत्यम, चिन्ना सत्यम, इसको मैं याद कैसे करवाया था आपको, चना और पूड़ी खा रहा है, कुछ ही पूड़ी से ही रिलेटेड है, चना और पूड़ी का सब्जी खा रहा है। ओके, ऐसे याद रहा था मैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध पूर्णिमा इज मार्क्ड ऑन अ फुल मून डे इन द हिंदू मंथ ऑफ वैसाख। तो बुद्ध पूर्णिमा वैसाख में आता है, अब उसको याद कैसे रह गया, बुद्ध पूर्णिमा कब आता है? वैसाख है ना, वैसाख शक कर रहा है ना, क्या शक कर रहा है? पूरा पूर्णिमा है ना, पूर्णिमा शक कर रहा है पूरा ना, पूरा शक कर रहा है पूर्णिमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अफगानिस्तान। तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है अफगानिस्तान का? अफगानिस्तान का ऑफिशियल लैंग्वेज है डेरी। ओके, डेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु स्टार्टेड द, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन 1927। तो ये बी आर अम्बेडकर है ना, टेम्पल में एंट्री मूवमेंट करवाई थी ये 1927 में, बी आर अम्बेडकर जी। इनका बुक का नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है ना, मैं भी कराया हूँ, आज ही वीडियो कराया हूँ मैं, देख लीजिए अगर मैंने चैनल पे नहीं देखा आपने, बुक एंड ऑथर है ना। और महात्मा गांधी के बारे में आपको भी बताया मैं, जो 1917 में इंडिया आए थे है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन 1927। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। इनका बुक का नाम क्या है, बुक का नाम पूछ सकता है इस बार, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है ना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। महात्मा गांधी के बारे में, इनका जन्म हुआ था 1869 में ना, फिर 1915 में ये इंडिया आए, 17 में इन्होंने, मैंने इसको बता रखा है सारा पूरा, 17 में इन्होंने चंपारण मूवमेंट स्टार्ट किया था है ना, 18 में इनको अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, 19 में आया था क्या मोंटागू केम्स फॉर रिफॉर्म है ना, रौला एक्ट पे सत्याग्रह किए थे, फिर 20 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसको सब याद कराने का तरीका भी मैंने बता रखा है अपने चैनल पे, नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। 1920 में स्टार्ट किए थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ना, फिर 1922 में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ना, 1922 में वो सस्पेंड हो गया था 1922 में, 2 साल बाद, और 1922 में क्या हुआ था, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, चौरी चौरा, ये भी पूछता है क्वेश्चन। इसको सब मैंने एकदम ट्रिक से याद करवाया हुआ है चैनल पे, देख लीजिए जाके आप। ओके, चलिए एनी बेसेंट के बारे में आप जान लीजिए, कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो ये थे फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है ना, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थे ये, और जो भारत के फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट वो सरोजिनी नायडू थी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। ओके,
ओके, जो एनी बेसेंट है वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी, और जो सरोजिनी नायडू थी वो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी। ओके, और जो महात्मा गांधी थे, और ये एनी बेसेंट जो है वो कब अध्यक्ष की थी इंडोनेशिया कांग्रेस को, ये हो गया आपका आई थिंक 1917 में, है ना, कलकत्ता में। और जो महात्मा गांधी थे एक ही सेशन लिए थे, अध्यक्ष किए थे बेलगांव में 1924 का। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इस बार चांस बन सकता है बेलगांव में, है ना, बेलगांव में। बेलगांव 1924 में अध्यक्ष किए थे महात्मा गांधी, बस ओनली सेशन, एक ही सेशन लिए थे ये, अध्यक्ष किए थे 1924 में, है ना। और फर्स्ट सेशन कब हुआ था आईएनसी का, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये बॉम्बे में हुआ था, है ना, 1885 को बॉम्बे में। अब कौन थे अध्यक्ष, डब्ल्यू सी बनर्जी। ओके, बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज गोविंद सागर भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट लोकेटेड। तो ये तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। इसी बार ये पूछा था क्वेश्चन, है ना, बोला मैं आपको सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछा जाता है, इस बार ही बना था क्वेश्चन इसे CMTS में, है ना। तो ये इसका आंसर क्या है, हिमाचल प्रदेश। ओके, और ये कौन से नदी पे बना हुआ है, सतलज। कैसे याद करवाया था मैं आपको, कोई भक बोलेगा तो जाके आप गुस्सा से जाके सो जाइएगा, है ना, सुत जाइएगा, ऐसे याद कराने के लिए बोला था मैंने आपको, है ना। पंजाब में आप याद रखिए, पंजाब में एक डैम है, सॉरी सॉरी, गुजरात में जो सरदार सरोवर है ना, सरदार सरोवर डैम, जो कि नर्मदा रिवर पे बना हुआ है, सरदार सरोवर डैम किस रिवर पे बना हुआ है, नर्मदा, है ना, नर्मदा। ठीक है, मैं हाथ से लिख रहा हूँ इसीलिए से हो रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर इज नोन वर्ल्ड वाइड फॉर प्लेइंग विच ऑफ द फ्लोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये तो भाई इतना बार पूछ चुका है, इतना रिपीटेड है कि, है ना, सरोद से बिस्मिल अमजद अली खान, सरोद से। ओके, अब इसी में देख लीजिए, जो बिस्मिल्ला खान जो है, सहनाई, बिस्मिल्ला सहनाई से ये रिलेटेड है ना। और हरिप्रसाद चौरसिया फ्लूट से बिलोंग करते हैं, ये फ्लूट बजाते थे ये, हरिप्रसाद चौरसिया। ओके, और अमजद अली बता दिया मैंने आपको, और क्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अरबियन सी इज एन एक्सटेंशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग ओशियन। तो ये किसका एक्सटेंशन है, इंडियन ओशियन का, अरबियन सी, है ना। पैसिफिक ओशियन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग्स ऑफ फायर, है ना। इसको याद कैसे रखिएगा, पैसा से, PAISA, पैसिफिक ओशियन,
अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन, आर्कटिक ओशन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डायमेंशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन MFI इन इंडिया। तो डायमेंशन क्या है, आउटरीच टू रूरल एरियाज, है ना, रूरल एरियाज पहुँचता है सब ज़्यादा, ये जितना भी रूरल एरियाज में स्मॉल है ना बिजनेस सबको लोन देता है। और इस बार MTS में ये पूछ दिया माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का फादर कौन है, है ना, मोहम्मद यूनिस। और ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, है ना। चलिए और इन्होंने बांग्लादेश ग्रामीण बैंक इस्टेब्लिश भी किए थे, है ना, ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है, ग्रामीण बैंक इस्टेब्लिश किए थे बांग्लादेश ग्रामीण बैंक इस्टेब्लिश, है ना। चलिए इसका काम क्या है, लोन देने के लिए, है ना, जितना भी छोटे छोटे होते हैं ना गांव में हो गया बिजनेस वगैरह, जिसका इनकम मतलब 1-1.5 लाख से कम हो उन्हीं लोगों को। चलिए इसीलिए मैं बोलता हूँ, देखिए प्रीवियस ईयर से सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही आता है, इसलिए प्रीवियस ईयर आपका पढ़ना मस्ट है, इसलिए मैं करा रहा हूँ आपको। ओके अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, है ना, सब्सक्राइब, ठीक है। यूट्यूब से कुछ पैसे आ जाएंगे तो मैं पेन भी ले लूँगा, मतलब पेन टाइप वगैरह, तो अच्छे से कराऊँगा आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने शंभू महाराज, क्या है, शंभू महाराज वाज ए रिनाउंड गुरु ऑफ विच ऑफ द घरानाज ऑफ कथक। तो ये लखनऊ के शंभू महाराज, और एक जो घराना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़ लीजिएगा ज़रूर से, मैंने भी करा रखा है ट्रिक से, तब सारा कुछ याद करा दिया आपको, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, है ना, देख लीजिएगा सारा, ये इम्पोर्टेंट है, हमेशा से इम्पोर्टेंट है ना, हर साल पूछता ही है ये, जैसे हो गया आपको ग्वालियर घराना, किराना घराना, मेवाती, पटियाला, है ना, अब उसको मैं एक इम्पोर्टेंट है मैं आपको याद दिला देता हूँ, जो गंगूबाई हंगल हैं, गंगूबाई हंगल ये कौन से घराना की है, इस बार पूछ सकता है SSC MTS में, चांस है ये, तो ये किराना घराना का, कहाँ से, किराना, बाकी फाउंडर तो किराना घराना का करीम खान है ना, वाहिद खान, और भीमसेन जोशी भी पूछ सकता है, पंडित भीमसेन जोशी, ये सब आने का चांस है, ये सब बहुत फेमस लोग हैं ना, बहुत, भीमसेन जोशी ये तो भाई पूछेगा ही, ये भी किराना घराना से, है ना, कैसे याद कराया था, जैसे भीम है, भीम जो है बहुत खाता है, तो आप कहाँ जाइएगा, किराना दुकान में जाइएगा ना, ऐसे याद कराया था मैं आपको, अगर आपने नई वीडियो देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, जो ना ट्रेंडिंग क्वेश्चन में जो चल रहा है, ये कौन से घराने के हैं, किराना घराने के हैं, भीमसेन जोशी, है ना, भीम बहुत खाता है तो दुकान जाएगा किराना घराने में, है ना, और इनको भारत रत्न मिला था, इन्हीं को भारत रत्न मिला था 2009 में, और ये कर्नाटका से थे। ओके और क्या पूछ सकता है आपको, और कौन इम्पोर्टेंट है, जो हाँ पंडित जसराज ये भी इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं करा रहा हूँ, बाकी कराने के लिए तो फिर पूरा सिलेबस ही करा दूँ मैं, इम्पोर्टेंट है इनको, जैसे भारत रत्न मिला ना, भारत रत्न मिला तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, आने का चांस हो जाता है 2009। पंडित जसराज को पद्म विभूषण मिला था
2000 में मिला था, ठीक है। और ये मेवाती घराना से बिलोंग करते हैं, मेवाती। इसको भी ट्रिक से मैंने याद कराया, अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो करवा देख लीजिएगा एक बार, है ना। मेवाती घराना, पंडित जसराज, ओके। और इन्हीं के नाम पे 2019 में एस्ट्रोनॉमिकल जो एस्ट्रॉयड होता है इन्हीं के नाम पे रखा गया था 2019 में। चलिए इनको ये याद रखिएगा, 2000 में इनको पद्म विभूषण मिला था, भूषण नहीं विभूषण, 2000 में इनको पद्म विभूषण मिला था, ओके, पद्म विभूषण पंडित जसराज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच इज द ओल्डेस्ट स्टूपा ऑफ द बुद्धिस्ट पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड के समय कौन सा ओल्डेस्ट था ये सांची स्टूपा, ओके। सबसे ओल्डेस्ट किसके द्वारा बनाया गया ये, अशोक के द्वारा, अशोक के द्वारा बनाया गया सांची स्टूपा। केसरिया स्टूपा कहाँ है, बिहार में है, जो कि बहुत लार्जेस्ट है ना, लार्जेस्ट है बिहार, बिहार का लार्जेस्ट है ये केसरिया स्टूपा। महाबोधि स्टूपा, धमेक स्टूपा, धमेक कहाँ है, सारनाथ में यूपी में, है ना। सांची स्टूपा कहाँ है, एमपी में, मध्य प्रदेश में। सांची स्टूपा मध्य प्रदेश में है, केसरिया स्टूपा बिहार में है, महाबोधि स्टूपा बिहार में है, धमेक स्टूपा ये सारनाथ में है, यूपी में, सारनाथ यूपी में, ओके। और बुद्धिस्ट से बुद्धिज्म का देख लीजिए आप, जो काउंसिल हुआ था फर्स्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, राजगिरा में, है ना। सेकंड काउंसिल वैशाली में हुआ था, तीसरा कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था, फोर्थ कश्मीर हुआ था, है ना, जो कि कनिष्क के द्वारा किया गया था। पहला राजगीर, वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, कश्मीर, है ना। एक ये देख लीजिए, ये आ सकता है क्वेश्चन, बरहुत, बरहुत स्तूपा कहाँ कहाँ, ये बरहुत स्तूपा ये एमपी का है, ओके। सांची स्तूपा भी एमपी का है, बरहुत भी एमपी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु कंडक्ट इलेक्शन फॉर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया, तो ये दोनों को इलेक्शन कमीशन कराता है भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर्स, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन से ईयर में लड़ा गया था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, 1761 में। पहला कब लड़ा था, 1526 में, है ना, बाबर और लोदी लड़ा था, है ना, इब्राहिम लोदी। और दूसरा कब लड़ा गया, 1556 में। और तीसरा तो आप जानते ही हैं, 1761 में लड़ा गया, है ना। यह लड़ा गया क्या, हेमू था और जो बलराम बैराम था उसके जगह लड़ा था, है ना, बलराम था। और बाबर के बारे में जान लीजिए, फर्स्ट बार है ना, फर्स्ट टाइम गन पाउडर का यूज किया था, फर्स्ट टाइम, ये भी आता है क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम गन पाउडर कौन यूज किया था, तो बाबर यूज किया था, है ना। दिल्ली सल्तनत क्या आ गया, तो दिल्ली सल्तनत के मैं बता दूँ, मैं क्या कौन कौन राज किए थे, ऐसे आया था मैं तो, दिल्ली सल्तनत, है ना, ऐसे याद करिए, सब खतरनाक थे साले लोग, ऐसे याद रखिए। एस से स्लेव डायनेस्टी, के से खिलजी डायनेस्टी, टी से तुगलक डायनेस्टी, एस से सैयद डायनेस्टी, एल से लोदी डायनेस्टी, याद हुआ आपको,
सिलेब डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोदी डायनेस्टी, ऐसे याद रखना है ना। इसका मैं सारा लिखवा दूँ कब से कब तक रूल हुआ, नहीं तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर आप लोग देखेंगे नहीं, है ना। जो इम्पोर्टेंट है मैं बता दे रहा हूँ, इसका जो आता है कि कैसे कैसे ये रूल किया है, पहले कौन आया, सिलेब डायनेस्टी, फिर खिलजी, तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी, है ना, ऐसे आया था। चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक तुगलक में देख लीजिएगा, इल्तुतमिश वाला, इल्तुतमिश जो है उसमें पूछ सकता है इस बार, जो MTS का है इल्तुतमिश, इन्होंने ही जो सिल्वर और तन का जो कॉपर का सिक्का निकाला था, कॉइन निकाला था, इन्होंने ही निकाला था, है ना, इल्तुतमिश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए कितना बार रिपीट कर गया ये, अनटचेबल इज अ नोबल रिटेन बाय मुल्क राज अनंत, ये भी मैंने करा रखा है अपने बुक एंड ऑथर में करा रखा हूँ ना। आपने नई वीडियो देखा है तो ज़रूर से देख लीजिएगा, मैं सब ट्रिक से याद करा दे रहा हूँ ताकि हमेशा से याद रहे। मुल्क है, मुल्क को कभी टच कर पाएंगे आप, है ना, मुल्क मुल्क मतलब देश, देश को कभी टच नहीं कर पाएंगे, है ना, ऐसे याद रखने के लिए बताइए, याद करने के लिए इसे याद रहेगा आपको। प्रेमचंद का भी मैंने बुक बता दिया आपको, मजुमदार, बंकिम चंद चट्टोपाध्याय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटवारी डांस, तो विच डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विथ नटवारी डांस। नटवारी डांस ये कौन सा डांस का फॉर्म है, कथक, कथक का, ओके। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, EP, ओडिशा, ओडिसी का तो नामे से पता चल रहा है ओडिशा का है ना। कथकली केरला का है। ये बताइए जो जट्टा जाटीन है वो कहाँ का डांस है, जट्टा जाटीन ये अपने बिहार का है, जट्टा जाटीन है ना, जटा जटीन कहाँ का है, ये बिहार का है, जटा जटीन बिहार का है, ओके। इम्पोर्टेंट है ये कि पूछ सकते हैं ना, ओके। कुचिपुड़ी में मैंने क्या बताया था, जो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है ना, हाँ, और इसमें एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, एक राधा रेड्डी, कहाँ से रिलेटेड है, कुचिपुड़ी से, राधा रेड्डी है ना, राधा रेड्डी, जिसके लास्ट में रेड्डी हो वो सब कुचिपुड़ी से बिलोंग करेंगे, राधा रेड्डी। और एक बता दीजिए आप, जो ये पोपीर, पोपीर एक फोक डांस है, वो कहाँ का है, ये बता दीजिए, ये भी पूछने का चांस है। तो ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का है ये, बिहू तो पता ही होगा आपको, असम का है ना। और कौन इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है ये बता दीजिए आप, तरंगमल, ये भी लग रहा है पूछ सकता है ये, तरंगमल ये गोवा का है, गोवा में बैठ के क्या देखें हम तारा, ऐसे याद रखें, है ना, गोवा में सब लेटता है ना बालू पे, मतलब बीच पे ऐसे सब सूतता है, सूत के क्या देखता है, तारा देखता है, ऐसा याद रख, याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं। चलिए कैसे भी आपको याद हो जाना है, चाहे हंसी आए कुछ भी आए, पर आपको दिमाग में याद है, बस आपको आंसर सही करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा मुंडा
हॉकी स्टेडियम इज वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम. इंडिया लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम है ना. इन विच स्टेट इज दिस स्टेडियम सिचुएटेड. तो कहाँ है ये? ओडिशा में. ओडिशा मुंडा. इसको याद कैसे रखेगा? बिरसा. बिरसा मुंडा. बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है? ओडिशा में है ना. उस दिशा में क्या है? मून है. मुंडा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. और ये इंडिया लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम है, ये याद रखिएगा, बिरसा मुंडा. नेक्स्ट है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर लार्जली क्लासिफाइड इनटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज. विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन. तो ये लिबरल है, सोशलिस्ट है, गांधीयन है, लेकिन ऑथोरिटेटिव नहीं है, है ना. इसे याद रखिए. DPSP कौन सा पार्ट में है? पार्ट फोर में है. पार्ट फोर में. और ये कहाँ से लिया गया है? इरिस से. इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. इरिस है ना, आयरलैंड से. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज डिड इंडिया डिफीट टू क्लिंच इट्स मेडन वुमेन्स जूनियर हॉकी एशिया कप टाइटल. तो ये साउथ कोरिया. इसका आंसर क्या हो जाएगा? साउथ कोरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है. हु अमंग द फ्लोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक सीता एंड इल्लस्ट्रेटेड रीटेलिंग ऑफ द रामायण. ये तो भाई देवदत्त पटनायक, याद होगा सभी को. ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, CGL में भी आया हुआ क्वेश्चन है. CGL में भी है ना, पूछ ही देता है. MTS में पूछे, चाहे CGL में पूछे, सब SSC पूछ देता है, इधर से उधर कर देता है ना. कौन सा ये? देवदत्त पटनायक. अमित त्रिपाठी का भी मैंने बुक बता रखा है आपको चैनल पे, है ना. कल आज ही बताया शायद बुक एंड ऑथर में. अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा. जितना भी इम्पोर्टेंट है ना बुक एंड ऑथर, सब मैंने करवा दिया. और पूछ रहा है इम्पोर्टेंट बुक एंड ऑथर पूछ रहे SSC MTS में, इसलिए मैंने करवा दिया है. ट्रेंडिंग क्वेश्चन में देखिएगा आप लोग, जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन का मैं सीरीज चला रहा हूँ ना, उसमें अब मैंने करवाया. अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. विच सॉफ्ट मेटल इन ग्रुप वन ऑफ द पीरियोडिक टेबल टर्निसेस विद इन अ फ्यू सेकेंड ऑफ एक्सपोजर टू एयर. हाँ, सोडियम को तुरंत आग लग जाता है ना, जब भी हवा में रखें ना, फट से दम. सोडियम पता ही होगा आपने, 11th 12th पढ़े होंगे तो पता ही होगा, है ना. 12th पढ़े होंगे तो एकदम पता ही होगा. इसे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे, है ना. एक्सपेरिमेंट होता तो होगा आप लोग का, है ना, प्रैक्टिकल वगैरह. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द कासद मस्तिया और विक्ट्री डांस ऑफ द ट्राइब ऑफ मेघालय इज एन एंशियंट वॉर डांस परफॉर्म ड्यूरिंग द प्रोमिनेंट फेस्टिवल ऑफ द ट्राइब. इतना कुछ पढ़ना ही नहीं था. मेघालय का ट्राइब क्या था? खासी. मार दीजिए, है ना, है ना. इसको मैंने कैसे याद कराया था? मेघालय. मेघ आया, मेघ आता है, मेघालय है ना. तो जब मेघ आता, मेघ मतलब क्या होता है? वर्षा. जब मेघ आएगा तो खांसी नहीं हो जाएगा, तो ये मेघालय का है. ऐसे मैंने याद करवाया था आपको चैनल पे. अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा जरूर से, है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉल इन हैंडबॉल फॉर मैन. है ना, वेट बताना है हैंडबॉल का कितना होता है. तो ये 425 से लेकर 475 ग्राम के बीच में होता है ना. 425 टू 475 ये ग्राम,
पच्चीस है, यहाँ यहाँ भी फोर है, फोर है, यहाँ 25 इंटू 3 तीन गुना है ना, तीन गुना है ना, यहाँ भी तीन गुना देना, लेकिन फोर है ना, ऐसे याद रखिए। इसको याद कैसे रखेगा, फोर फोर है, यहाँ 25 75 है ना रेंज में, यहाँ फोर है, फोर है, फोर। और इसको याद रखिएगा, हैंड 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 कितना शब्द है, हैंड में कितना शब्द है, एक दो तीन चार, तो फोर याद रखिए, फोर फोर, और 25 75 तीन गुना। इसको आप मांग सकते थे ट्रिक से भी, देखिए नहीं ट्रिक सब में अलग है, नहीं मांग सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज नीडेड फॉर अ हेल्थ इम्यून सिस्टम, लो लाइट विजन एंड हेल्दी स्किन। ये भाई विटामिन ए है ना, और विटामिन्स का भी पूछा जाता है। विटामिन्स में जो एक होता है वाटर सोल्यूबल, एक होता है क्या फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल क्या होता है, बी सी, विटामिन बी और विटामिन सी, और विटामिन जो फैट सोल्यूबल होता है वो बाकी जितना भी होता है ना, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। कीड़ा, कीड़ा से याद है कि कीड़ा क्या होता है, फैट होता है ना, तो मोटा, तो फैट सोल्यूबल है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए है ना, और वाटर सोल्यूबल कोई गाली नहीं बताएगा, विटामिन बी, विटामिन सी है ना। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं ना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, और जो विटामिन बी है उसमें बहुत सारे आते हैं ना, उसको कैसे याद रखना है, जैसे देखिए, चलिए मैं कोई और वीडियो में बता दूंगा मैं। चलिए थैंक यू, अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा।